हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भारद्वाज। वर्डप्रेस के इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग मीडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर साइड मेन्यू में यहाँ आपको दिखाई देगा मीडिया। तो आप जब इस मीडिया पे क्लिक करेंगे तो मीडिया के अंदर होती हैं दो चीज़ें, एक होता है लाइब्रेरी और एक होता है एड न्यू। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मीडिया एक्चुअल में होता क्या है। मीडिया का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर आपको लोगो भी दिखा रहा हूँ, एक कैमरा का है और एक MP3 का है। तो मीडिया का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपने ब्लॉग में, अपने वेबसाइट में कोई भी इमेज या कोई ऑडियो वीडियो चीज़ों को अगर आपको अपलोड करना है तो वो चीज़ आप यहाँ मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम लोग अपने ब्लॉग्स में कोई भी इमेज ऑडियो वीडियो को अपलोड करते हैं, देन उसे हम अपने वेबसाइट पे या वेब पेज पे पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपको वर्डप्रेस के थ्रू मीडिया अगर आपको अपने वेबसाइट अपने ब्लॉग्स पे ऐड करने हैं, पब्लिश करने हैं, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि वर्डप्रेस में आप जितने भी पहले से इमेज ऑडियो वीडियो को अपलोड किए हैं तो सारे के सारे इमेज ऑडियो वीडियो की लिस्ट यहाँ पर दिखाती है। तो अभी देखें, यहाँ लिखा हुआ है नो मीडिया फाइल अपलोड्स, मतलब अभी ये लाइब्रेरी पूरा ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी ऑडियो वीडियो इमेज अपलोड नहीं है। तो अगर आपको किसी भी नए इमेज ऑडियो वीडियो को अपलोड करना है तो अपलोड करने का दो तरीका है। आप देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी के नीचे लिखा है ऐड न्यू, तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करके आप नए मीडिया को अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है अपलोड न्यू मीडिया, यहाँ लिखा है ड्रॉप फाइल हियर और सेलेक्ट फाइल, मतलब अगर आपको नया मीडिया अपलोड करना है तो आप उस पर ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हैं, चाहे उसे सेलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आपको लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी में यहाँ पर एक ऐड न्यू का बटन दिया हुआ है तो इस पर भी क्लिक करके हम लोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स खुला, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉप फाइल एनीवेयर टू अपलोड, मतलब आप कहीं से भी, मतलब ड्रॉप करके कहीं से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो वैसे भी आप अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट फाइल, मतलब आप इस बटन पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करेंगे, एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर आप किसी फाइल को सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप मीडिया सेलेक्ट करके अपलोड कर रहे हैं, कोई भी इमेज ऑडियो वीडियो अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो जो उसका साइज है वो 8 MB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपलोड करना है तो आपको ये सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये खुला ओपन डायलॉग बॉक्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे इमेज वीडियो दिए हुए हैं जिससे मुझे वर्डप्रेस के इमेज को अपलोड करना है। तो आप इस वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ ओपन का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है और आप लाइब्रेरी में आकर के ऐड हो गया। तो ये जो तरीका हुआ कि हम किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। अगर आपको ड्रॉप डाउन करके किसी फाइल को अपलोड करना है तो मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ। देखिए, तो जैसे कि हमारे पास, मान लीजिए ये फाइल है, इस फाइल को अपलोड करना है, ये स्टार्टर वीडियो का फाइल है, इस फाइल को अपलोड करना है। इस फाइल का साइज कितना है, 7.16 MB का साइज है। तो ये अपलोड हो जाएगा तो हम इसे यहाँ से ड्रॉप करेंगे, देन यहाँ पर लाने के बाद ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए यहाँ अपलोड हो गया और यहाँ पर ऐड हो गया। वैसे ही अगर आपको ये इमेज को ऐड करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करिए और यहाँ ला के ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए इमेज ऐड हो गया। अब इस ये वाली इमेज को भी अपलोड करना है, ड्रैग किए यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, ये देखिए लाइब्रेरी में ऐड हो गया। अब देखिए, जैसे ये एक वीडियो है, इस वीडियो का साइज कितना है, 28.2 MB। अब मैं इसे अगर अपलोड करना चाहूँगा तो यहाँ पर देखिए अपलोड नहीं होगा, मैक्सिमम अपलोड साइज, ज़्यादा अपलोड साइज है जो भी दिया गया है, तो यहाँ पर 8 MB से अपना जो मैं फाइल है वो इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैसे ये MP3 फाइल है, इसी भी अपलोड करूँगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी साइज 9.87 MB का है। तो हम 8 MB या उससे कम के कोई भी फाइल को यहाँ पर आसानी के साथ अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सारे फाइल्स को अपलोड करने के बाद
जितने भी आपके लाइब्रेरी में फाइल्स हैं तो सारे के सारे फाइल्स की लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, भले से वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सारे के सारे फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब अगर आपको ये जो अपने को अभी यहाँ पर लाइब्रेरी में दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे के सारे मीडिया हमारे ग्रिड व्यू में है। अगर आपको इन सारे सभी फाइलों को लिस्ट व्यू में देखना है तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है ये है लिस्ट व्यू, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारे लिस्ट आप मीडिया आपको लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देंगी। देखिए इसी पर लिस्ट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको सारे मीडिया का फाइल, ऑथर क्या है, किनके द्वारा अपलोड किया गया है, किस टाइम पे अपलोड किया गया है, ये सारा डिटेल हमको यहाँ पर दिखाता है। अगर आपको इसको ग्रिड व्यू में देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका ग्रिड व्यू में दिखाएगा। नेक्स्ट है ऑल मीडिया आइटम्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट निकलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा इमेज फाइल है, वीडियो फाइल है और ये हमारा इमेज फाइल है। तो जैसे आपके पास अगर मीडिया में बहुत सारे, लाइब्रेरी में बहुत सारे फाइल्स हैं और आपको उन फाइलों को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपको केवल इमेज वाले फाइल को ओपन करना है तो इमेज में क्लिक करेंगे तो जितने भी इमेज वाले फाइल रहेंगे वो चीज़ हमको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको वीडियो फाइल चाहिए तो आप वीडियो में क्लिक करिए तो आपको जो वीडियो वाला फाइल रहेगा केवल वो वाला वीडियो का फाइल आपको दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे पास जितने भी फाइल्स होंगे तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ऑडियो फाइल होगा तो आप ऑडियो में क्लिक करेंगे तो ऑडियो फाइल को भी आप सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऑडियो फाइल नहीं है तो यहाँ पर नो फाइल मीडिया फाउंड बोल रहा है। और आप अगर सभी को देखना चाहते हैं तो ऑल मीडिया आइटम्स में क्लिक करेंगे तो सारा का सारा मीडिया आपको यहाँ पर दिखा देगा। वैसे ही जब अगर आपको उन सभी लिस्ट ऑफ आइटम्स को डेट वाइज सॉर्ट करना है तो यहाँ पर जैसे आप जिस जिस डेट पे भी अपलोड करेंगे तो वो वाला डेट यहाँ पर दिखाता है मंथ वाइज। तो आप जिस भी, जैसे कि यहाँ लिखा है सितंबर 2017, अगर मेरे को सितंबर 2017 में कितने सारे मीडिया अपलोड किए गए हैं उनकी लिस्ट को देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मीडिया अपलोड किया गया है वो मीडिया यहाँ पर दिखा देगा। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर आइटम वाइज पे सर्च कर सब फिल्टर कर सकते हैं और यहाँ डेट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आपको यहाँ पर से एक बार में एक से अधिक मीडिया को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है बल्क सेलेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर जिस जिस मीडिया को आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करने के बाद डिलीट सेलेक्टेड में क्लिक करेंगे तो वो सारा मीडिया हमारे लाइब्रेरी से डिलीट हो जाएगा। आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और अगर आपको, जैसे आपके पास बहुत सारे मीडिया हैं, आपको उसमें से पर्टिकुलर किसी मीडिया को सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च मीडिया का भी ऑप्शन है, आप इसमें वहाँ का नाम दे करके उस मीडिया को यहाँ पर सर्च करके भी यूज कर सकते हैं। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसे देख भी सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो था उसे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर ओपन हो गया, आप इसको प्ले करके देख भी सकते हैं कि वो मीडिया हमें किस टाइप से दिखाई देगा। और उस मीडिया का ये देखिए URL है जो कि वो मीडिया आप अपने सिस्टम पे या साइट से कहाँ से डाउनलोड किए हैं, उसका टाइटल, उसका कैप्शन, डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं उस मीडिया को डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे देन वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो वैसे ही किसी इमेज को भी आप यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग यहाँ पर किसी भी मीडिया को अपने लाइब्रेरीज में ऐड कर सकते हैं और उसे डिलीट, अपडेट, चेंज कर सकते हैं। आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग और भी नई चीज़ों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय इट। और अगर आपने इसके पिछले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल को प्लीज़ जा करके देख लें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ में आ सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले ट्यूटोरियल्स को देखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।